निर्मला सीतारामन जी को सुना है कि अभी तो एक तो प्लेस निश्चित नहीं हुआ है जी, अमन सिंह जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग विचार हो रहा है ना, नहीं सुनिए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 2014 में उन्होंने कहा कि जो भी इवेंट है उनको शहरों से दूर लिया जाए, उन्हें दिल्ली से दूर लिया जाए और अलग अलग जगह पर करे जाए। आपने देखा होगा स्टैंड अप इंडिया का लॉन्च गौतम बुद्ध नगर में हुआ, उज्ज्वला स्कीम का पूर्वी, पहले सब विज्ञान भवन में होता था। देखिए 20-22 साल से वहां हो रहा है, डिफेंस एक्सपो जो पहले 10 साल दिल्ली में हुआ, फिर गोवा में गया, फिर तमिलनाडु में गया, तो डिफेंस एक्सपो खत्म नहीं हो गया। तो देखिए अलग अलग जगह होगा तो वहां की इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। HAL लखनऊ में भी है, सेंट्रल कमांड है वहां पे, जो वहां का एयर स्टेशन है, जो वो तो इलाहाबाद में, जो बख्शी का तालाब तो इलाहाबाद में, सेंट्रल एयर कमांड एयरफोर्स का उत्तर प्रदेश में, मगर उत्तर इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। हाँ तो इलाहाबाद, लेकिन HAL है, HAL है, लखनऊ के सियासी मायने अलग है, लखनऊ में HAL है। और जो बख्शी का तालाब जो एयरबेस है, ये 34 किलोमीटर दूर है वहाँ के एयरपोर्ट से, वो वाली सुविधा जो बताई जा रही है वो भी ठीक है। अमन सिन्हा वो भी दूर है वहाँ पे, ठीक है अमन सिन्हा, अगर एक नए प्रदेश में होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अमन सिन्हा डिफेंस की राजनीति कहाँ से आ गई, ठीक है सर, अमन सिन्हा 10 साल डिफेंस एक्सपो दिल्ली में हुआ, डिफेंस एक्सपो 10 साल दिल्ली में हुआ, फिर गोवा गया, फिर तमिलनाडु गया, ये तो आपने बता दिया। सर ये भी बताइए, जब मनोहर पर्रिकर थे तो गोवा ले गए, निर्मला सीतारमण आई तो तमिलनाडु चला गया, ये जिसकी कुर्सी उसका शहर वाली कहावत है ना, ये तो ये जिसकी कुर्सी उसका शहर, जहां ले जाना चाहते हैं जो जिस प्रदेश का होगा, जैसे रेल मंत्री लालू थे तो तमाम ट्रेनें वहां चली गई थी। मेरा सवाल है कि डिफेंस पर क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए कम से कम। अमन देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि 2019 में जो एयर शो होगा वो लखनऊ जाने से वोट परिवर्तित हो जाएंगे, तो एक पॉलिटिकल नाइवर्टी है मेरे ख्याल से राजनीति की, जिसको बिल्कुल समझ नहीं होगी कि एक एयर शो से वोट परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर जब गोवा गया तो गोवा की सरकारें बहुत वोट आ गया भाजपा को, अब तमिलनाडु में भाजपा को बहुत वोट आ गया, तो ये कहना आई थिंक सारे इस तरह के इवेंट अलग अलग प्रदेश में होने चाहिए, सिटी रोटेट होती रहनी चाहिए, जिससे हर प्रदेश का डेवलपमेंट होता रहे उस क्षेत्र में। जैसे मैंने आपको कहा उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, मंशा वही होती है ना, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उत्तर प्रदेश का वही होती है, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होना चाहिए, वही होती है ना, जो प्रदेश डेवलप नहीं है उसमें भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के।